नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर जनपद के फतेहपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बुलंद होता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि देहरादून सहारनपुर रोड पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल के समीप जैन प्रोविजन स्टोर पर लगभग 4 लाख की चोरी कर चोर फरार हो गए। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 लाख तो नगद और 1 लाख का सामान और एक DVR चोरी करके ले गए हैं। दुकान के मालिक संदीप जैन ने बताया कि बराबर के जीने से चढ़कर उनके दुकान के ऊपर आए और लोहे की चाली उखाड़कर दुकान के अंदर घुसाए और वहां से नीचे आकर दुकान से चोरों ने DVR और गले में रखी 3 लाख रुपए की नकदी और 1 लाख का अन्य कीमती सामान ले गए। जबकि दुकान मालिक ने बताया कि थाना पुलिस पास चौराहे पर रात में गश्त करते हुए चौराहे पर रहते हैं और पहरा देने के बाद भी दुकान से चोरी हो रही है। पीड़ित दुकानदार ने थाना फतेहपुर पुलिस को तहरीर देकर चोरी का जल्द खुलासा किए जाने की मांग की है। 8:30 बजे देखा यहाँ सामान है, देखा गल्ले से पैसे भी गायब। तो कितनी नकदी गायब आपके गल्ले से? 3 लाख नकद। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को की? तहरीर दे दी हमने वहाँ पे। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? कह रहे हैं कि हम सब खुलासा करेंगे, मतलब दिन का आश्वासन दिया उन्होंने। तो जैसे आपके दुकान में CCTV कैमरे हैं, कोई फुटेज वगैरह दिखी? वो तो लेकर DVR निकाल के छोड़ जी। इससे पहले भी कुछ हुआ? इससे पहले 2 बार होनी चोरी, उसके लिए कोई खुलासा नहीं हुआ। अच्छा, 8 तक नहीं हुआ। दुकान से लगभग कितना सामान गायब है? दुकान का भी पता नहीं चला, लगभग 1 लाख रुपए का सामान गायब है। अंदाजा है, पता कुछ नहीं चलता जी। खाली पैसे ले गए, सामान भी ले गए, लग रहा कि सिगरेट भी गई है और वीडियो वगैरह भी गई। तो नकदी लगभग कितनी होगी? 3 लाख रुपए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।